दोस्तों कैंडी मेकिंग लैब की अपार सफलता के बाद मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ माय चॉकलेट मेकिंग लैब। काफी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे भैया चॉकलेट मेकिंग लैब भी लेकर आओ। तो भैया आ गया है लैब, जल्दी से एक बार इसे खोल लेते हैं, निकालते हैं सामान को बाहर और आज जल्दी से बनाएंगे प्यारी प्यारी चॉकलेट। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट की, तो कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों बॉक्स के बारे में आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहूंगा ये आता है एक्सप्लोर की तरफ से, जो काफी अच्छा ब्रांड है और इसका जो प्राइस है वो है 850 रुपए। तो सीधे सीधे से ओपन कर लेते हैं। खुल जा सिमसिम। तो दोस्तों जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या सामान इसके अंदर हमको मिलता है। तो सबसे ऊपर मेरे को यहाँ पे मिलता है एडिबल स्प्रिंकल्स और उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक मोल्ड मिलता है लॉलीपॉप का और यहाँ पे हमें एक और मोल्ड मिलता है। यार मतलब कमाल हो गया, दो दो मोल्ड यहाँ पे मिलते हैं। और ये है हमारी ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, इसको रख देते साइड में। उसके ठीक नीचे यहाँ पे कुछ हमें एल्युमिनियम की फॉइल मिल जाती है कलरफुल, यहाँ पे कुछ एल्युमिनियम के हमको ये क्या बोलते हैं इसे हम, एल्युमिनियम के बाउल मिल जाते हैं और भी क्या है, ओके ये एक स्पैचुला हमको मिल जाता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे देखेंगे तो गिफ्ट रैप है और ये स्टिकर है और लास्ट में एक हमको मिल जाती है इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट बनाना हम सीखेंगे तो जल्दी से। और एक और चीज़ है यार, एक लास्ट में थर्मक और ये लॉलीपॉप की स्टिक भी है। अब होता है बॉक्स हमारा खाली, तो फिलहाल जल्दी से मैं एक बार इसे पढ़ लेता हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चॉकलेट बनाना। दोस्तों अब जो मैं रेसिपी बताने वाला हूँ चॉकलेट बनाने की, बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी आपकी चॉकलेट बन जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी बाउल ले लेंगे बड़ा सा, उसमें ये जो आपको चीनी दिख रही है ना एक कप, तो एक कप चीनी यहाँ पे हम डाल देंगे और उसके ऊपर डालेंगे यहाँ पे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो ये एक चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया है और ये जो चॉकलेट पाउडर हमको दिया गया है क्या बोलते हैं इसको, ड्रिंकिंग चॉकलेट। तो दोस्तों 3/4 कप ले लिया हमने ड्रिंकिंग चॉकलेट का और ये इसमें डाल दिया है। अब एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस स्पैचुला की हेल्प से। तो दोस्तों ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कोकोनट ऑयल और इसको हम मिक्स करेंगे। दोस्तों अभी ये मोटा मोटा मिक्स हो चुका है, अब जो है इसे हम हल्की आंच में डबल बॉयलर में गैस में इसको गर्म करेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है ये और ज्यादा अच्छा बन जाए और ज्यादा बेहतरीन बन जाए। तो चलिए गैस में चलते हैं। तो दोस्तों चॉकलेट मिक्सचर जो है मोल्ड में डाल दिया और आपने देखा कि यार बहुत दिक्कत हो रही थी, फिलहाल यहाँ पे क्लीनिंग में भी काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि बाहर फैल गया था बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैंने क्लीन कर दिया। आप भी इसी तरह से क्लीन कर देना, नहीं तो शेप जो है आपके ख़राब भी हो सकते हैं। अब सिंपली हमको इसको फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए रख देना है और 3 घंटे के बाद हमारी जो चॉकलेट है बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए वेट करते हैं 3 घंटे का और देखते हैं किस तरह से हमारी चॉकलेट बन के निकलती है। तो दोस्तों हमारी जो चॉकलेट है वो फ्रिज से बाहर निकल चुकी है, लगभग 3 से 3.5 घंटे हो गए थे इसके अंदर रखे हुए और ये देखिए लॉलीपॉप, मुझे लगता है ये अच्छे से अब हार्ड हो गई। मैंने हाथ लाके ऐसे देखा तो काफ़ी हार्ड लग रही थी, मैंने कहा चलो भैया अब निकाल लेते हैं बाहर। उससे पहले यहाँ पे हम फॉइल जो है वो निकाल लेते हैं, तो इसमें हम पैक करेंगे चॉकलेट को। तो ये हमारे पास 1, 2, 2 कलर की है, तो फिलहाल जल्दी से एक एक करके निकाल लेते हैं और देखते भैया किस तरह की हमारी चॉकलेट है ना ये बनी हुई है। तो ये ओके उसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे टैडी चॉकलेट जो है बिल्कुल बनके रेडी है और इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, फटाफट से निकालनी पड़ेगी कहीं मेल्ट तो नहीं होगी, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। ये लीजिए हर्ट भी शेप निकल गया है और ये लीजिए डक 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 ओके हाउस 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 निकल जाओ बाहर।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चॉकलेट बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं बिल्कुल पास से दिखाऊं तो आपको ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे छेद वेद से दिख रहे होंगे और कुछ सही से फिक्स नहीं हुए भाई। ये इसलिए हुआ ना कि मैंने यहाँ पे यार रिफाइंड शुगर की जगह नॉर्मल शुगर डाल दी थी, जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई पिघलने में। फिलहाल इसको जल्दी से रैप कर देते हैं इससे पहले कि पिघल जाए। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं पिघलेगी, बट फिर भी हल्की बहुत जो उसमें फ्रीजर से निकली हुई है ना, तो आप देख रहे हो हल्की चिपचिप होनी शुरू हो गई, बट बहुत हार्ड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पिचका के दिखाऊँ, ये देखिए आप इतनी मैं जान लगा के पिचका रहा हूँ, बट अभी भी पिचक नहीं रही थी। एक बार टेस्ट करके देख लेता, उसके बाद इसमें पैक करेंगे। मजा आ गया भाई, यम्मी। हमको वाकई में यार बिल्कुल मतलब चॉकलेट जैसा टेस्ट आ रहा है। हाथ साफ करने पड़ेंगे अब तो दोस्तों, जल्दी से रैप कर लेते हैं क्योंकि हमें गिफ्ट करना है। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे दो चॉकलेट जो है कुछ इस तरह से इसमें रैप करता हूँ, और ये पिंक कलर की है, इसमें हम फॉइल में इसको रैप कर देंगे। तो ये जो हमारी चॉकलेट है वो पैक हो चुकी है, और अभी इसको और पैक करना है आपको। तो यहाँ पे और भी हमको पेपर दिया गया है, इनमें आप पैक कर सकते हो। फिलहाल लॉलीपॉप आपको दिखा देता हूँ। वाओ, मज़ा आ रहा है यार इसे देख के। तो दोस्तों यहाँ पर इतना तो प्रूफ हो गया कि भैया इस किट की मदद से हम चॉकलेट तो बना सकते हैं। अब वैसी तो नहीं जैसे मार्केट में बनती है, बट फिलहाल इतनी बुरी भी नहीं है कि हम इसे खा ना सके। बहुत ही परफेक्ट है, टेस्ट मुझे काफी सही आ रहा है। थोड़ा बहुत घर का भी सामान लग गया, बट कोई बात नहीं यार, एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा बहुत सामान लग भी गया तो क्या दिक्कत है। अंत में अगर इतनी टेस्टी चॉकलेट मिले तो क्या बात है। अगर मेरे हिसाब से अगर 3-4 दोस्त मिलकर इसे बनाएंगे तो उन्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। ऊपर से यार इसके अंदर ना और भी बहुत सारी रेसिपी, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैंने वो ट्राई की जो मुझे सबसे आसान लगी और रिजल्ट मुझे लगभग बहुत अच्छा मिला है। फिलहाल आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया, चॉकलेट पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों माई चॉक मेकिंग लैब में आपने किए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, और यहाँ पे मतलब मज़ा ही आ गया था पढ़ के। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने 30 कमेंट जो है वो चुने हैं शॉर्टआउट के लिए, तो जल्दी से एक बार शॉर्टआउट दे देते हैं उनको। तो सबसे पहला नाम है प्रिंस कुमार, स्वास्तिक हिंदी, सुरेंद्र कुमार, पूजा गोयल, प्रियंका भगत, लक्की सिंह, शरद वर्मा, सरिता गोयल गोयल, वर्षा जैन, रामकरण सरकार, विनीता कुमारी, अर्पिता श्रीवास्तव, हरीश चंद्रा, मोहम्मद सलीम, सयान भट्ट, महेंद्र सिंह, प्रवल कुमार, दिव्या ग्रोवर, सिद्धांत जायसवाल, सराह एंजल, नीरू गुलशन, मयंक अग्रवाल, अमरा ताहिर, उदय प्रताप, संदीप गुप्ता, आशिक खान, करुणा तुलसियान, मिली पिथान, रोनी रॉय, और लास्ट में मनोज शाह। तो दोस्तों जिन लोगों का नाम नहीं आया कोई बात नहीं, इस वीडियो में करिए प्यारे प्यारे कमेंट, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको शॉर्टआउट ज़रूर मिलेगा।